नमस्कार, आरसीआई शिक्षा ग्रुप बानसूर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। आज का आरसीआई शिक्षा ग्रुप बानसूर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर यह लाइव बहुत ही विशेष और खास होने वाला है, क्योंकि आज हम इंडिया की उन टॉप फैकल्टियों के साथ लाइव ये सेशन करने जा रहे हैं जो नीट और आईआईटी के लिए पूरे देश भर में नाम से ही परिचित हैं, नाम से ही जाने जाते हैं। सुपर 30, जिसका नाम आप सबसे कहने की और बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसे प्लेटफॉर्म से बानसूर, जिसे शिक्षा के नाम पर मिनी कोटा के नाम से जाना और पहचाना जाता है, उसी मिनी कोटा को एक वास्तविक रूप देने के लिए, क्योंकि बानसूर में स्कूली एजुकेशन और कॉलेज एजुकेशन में बानसूर का नाम एक अलग तरीके से पूरे जिले ही नहीं राजस्थान में लिया जाता है, पूरा राजस्थान जो है उसमें यदि तहसील स्तर पर शिक्षा के क्षेत्र में यदि किसी कस्बे का नाम आता है तो उसमें बानसूर का नाम सबसे ऊपर आता है। हम आज की इस लाइव सेशन में आगे जो बातें करेंगे उससे पहले मैं आज के जो हमारे बानसूर में जो नीट आईआईटी की विशेष विद्यार्थियों को जो कोचिंग और गाइडलाइन दे रहे हैं उन सर से मैं परिचय करना चाहूंगा। मेरे राइट साइड में जो सर हैं, एके मिश्रा सर, जो कि सुपर 30 जैसी और देश की नामी कोचिंगों में नीट आईआईटी के लिए बहुत हजारों से ज्यादा संख्या में विद्यार्थियों को तैयार किया है। तो सर एके मिश्रा जी, आज के लाइव सेशन में हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का आपका हार्दिक स्वागत है। और मेरे लेफ्ट साइड में जो सर हैं, ये सर फिजिक्स में अमित शुक्ला जी, मध्य प्रदेश में यदि आईआईटी नीट के नाम पर यदि नाम आता है तो मध्य प्रदेश में जैसे राजस्थान में एलन अपनी एक अलग पहचान रखता है, उसी प्रकार शुक्ला क्लासेस के बहुत ही मध्य प्रदेश में प्रत्येक विद्यार्थी इस बात को जानता है। ऐसे हमारे बीच में अमित शुक्ला सर फिजिक्स फैकल्टी के रूप में यहाँ उपस्थित है। सर आपका भी आरसीआई के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। नमस्कार। आज के इस लाइव सेशन में मैं चाहूंगा सबसे पहले हम मिश्रा जी से आज की कुछ हमारे अभिभावकों के लिए, सर कुछ विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि आप नीट आईआईटी यानी देश के टॉप जो एग्जाम्स होते हैं उनके बहुत ही एक्सपर्ट सर हैं आपके। मैंने जैसा कि आपने बताया था कि आपकी बुक्स जो है, आप राइटर भी हैं, इसी में मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगा कि सर कितने वर्षों से आप विद्यार्थियों को आईआईटी नीट के लिए तैयार कर रहे हो? आईआईटी नीट लगभग 30 साल से ऊपर समय हो गया, लगभग 1992 से विशेष तौर पर इसे हम लोग लगे हुए हैं। प्रतिष्ठित जो संस्था जैसे आप करियर पॉइंट है वहाँ पढ़ाते हुए मेरी जो कारवा है वो पहुंची सुपर 30, जिसने देश ही नहीं विदेशों में ये इस बात को प्रमाणित कर दिया कि किसी भी स्टूडेंट, चाहे स्टूडेंट कितना भी एवरेज हो, उससे भी रिजल्ट लिया जा सकता। वहां बहुत कुछ सीखने को भी मिला और बहुत कुछ स्टूडेंट भी उससे काफी बेनिफिट हुआ। बानसूर क्षेत्र के लिए हमारा सभी विद्यार्थियों और अभिभावकों की मैं जानकारी के लिए कहना चाहूंगा कि हम सबका सौभाग्य के है कि बानसूर जैसे छोटा जिस कस्बे को हम कहना चाह रहे हैं, उस कस्बे में जैसा सर ने बताया कि सुपर 30 जिसके ऊपर मूवी भी बन चुकी है कि सेलेक्टेड विद्यार्थी और उसमें जो टीचर्स पढ़ते हैं वो इस प्रकार के बच्चों को टेक्निक बताते हैं, इस प्रकार के टिप्स बताते हैं कि जो भी विद्यार्थी इसमें सर आपके पास आता होगा। एंट्रेंस एग्जाम में आईआईटी या नीट में सबसे जरूरी है टाइम। जब तक स्टूडेंट के पास कम समय में करने की कोई तरीका नहीं होगी तब तक सफलता मिलना काफी मुश्किल होगा। तो स्टूडेंट कम समय में किसी क्वेश्चन को कैसे कर ले, किस तरीके से कर ले, उसका कुछ कंसेप्ट भी हो, थ्योरी भी हो, टाइम बचाने के कुछ टेक्निक भी हो, सभी बातों को बताई जाती है। और सुपर 30 में पढ़ाई के अलावा जो टिप्स है, ट्रिक्स है, कंसेप्ट है, थ्योरी है के अलावा एक वहाँ कंटिन्यूअस लगातार 35 सेशन कहा गया है, 35 मैक्स स्टूडेंट पर। तीन तरह के स्टूडेंट होते हैं, एबव एवरेज, एवरेज और बिलो एवरेज। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो होते हैं, ज्यादातर स्टूडेंट जो होते हैं वो होते हैं एवरेज स्टूडेंट। स्टूडेंट की क्रेडिट जाती है जब एवरेज स्टूडेंट से
रिजल्ट मिलेगा। एबव एवरेज स्टूडेंट टीचर ना भी पढ़ाए तो रिजल्ट देने की स्थिति में होता है, लेकिन टीचर की क्रेडिट इसी बात में है जो एवरेज से वो रिजल्ट ले, तभी एक हिस्टोरिक बहुत अच्छी रिजल्ट किसी भी संस्था किसी भी स्कूल में हो पाता। सर ये हमारा सौभाग्य है हमारे विद्यार्थियों का, बांसू क्षेत्र के अभिभावकों का, कि आपका अनुभव और आपके जो जैसा कि आपने बताया कि कुछ ट्रिक्स और कुछ टेक्निक्स बच्चों को बतानी होती हैं और उसी के अकॉर्डिंग बच्चा सिलेक्शन तक पहुंच सकता है, और इसके लिए आपने विद्यार्थियों के लिए हमारे बांसू क्षेत्र के लिए समय निकाला है। इसके लिए भी हमने बुक्स में भी 8 बुक्स है मार्केट में, मेरी सारी बुक्स में भी हमने जहाँ तहाँ किस तरह से प्रेजेंटेशन होना चाहिए दिया, पूरे भारत के स्टूडेंट्स इंस्टीट्यूट हो रहे हैं, 500 शहरों में हम लोगों ने क्लास लिया, चाहे ईस्ट हो चाहे वेस्ट हो साउथ हो या नॉर्थ हो, बड़े बड़े संस्थान हैं, स्कूल हैं, इंस्टीट्यूट, लेकिन सब जगह एक ही निचोड़ है कि अगर हम स्टूडेंट को सही से गाइड करें तो बहुत अच्छा रिजल्ट होगा। सर मैं थोड़ा सा हमारे सब अभिभावकों के लिए और विद्यार्थियों और हम भी जानना चाहेंगे कि अब तक आपके कार्यकाल जो ये टीचिंग का कार्यकाल रहा इसमें लगभग कितने विद्यार्थियों का चयन किया, सिलेक्शन के एग्जैक्ट नंबर तो गिन पाना भी मुश्किल है, लेकिन ये जरूर है कि हमने कम से कम 4 ऑल इंडिया रैंक क्लोज भारत में प्रथम स्थान, नीट में भी लाइक सुरभि बैस सुमित तलवार, 98 के सुरभि बैस सुमित तलवार ऑल इंडिया रैंक 1, उसी तरह फिजी में रहते हुए ऑल इंडिया रैंक 2 स्टूडेंट, यानी 4-5 स्टूडेंट इंडिया में टॉप ऑल इंडिया रैंक 1 आएगा, और ऐसे इनकी संख्या जो सफलता में स्टूडेंट की संख्या है ये तो हजारों में है। कभी भी जाने पर कहीं भी एम्स में जाओ, कहीं भी किसी शहर में जाओ, मेडिकल कॉलेज में जाओ, अपने पढ़ाए हुए बच्चे हर जगह मिल जाएंगे। जैसा कि सर ने बताया कि इंडिया के टॉप रैंक पर लगभग 4-5 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने सर से अध्ययन किया है, निश्चित है सर हमारा सौभाग्य बांसुर में भी आने वाले जो रिजल्ट्स होंगे उसमें भी आपके मार्गदर्शन से आरसीआई शिक्षा ग्रुप और बांसुर जरूर है, जो आरसीआई विजय जी आप बिंग चेयरमैन आप जो प्रयास करने जा रहे हैं और जो आपने प्रयास करने के सोचे ये सब प्रतिशत सही है कि एक दिन बड़ा ही हिस्टोरिक ऐतिहासिक रिजल्ट इस स्कूल का आएगा। थैंक यू सर। सब बीच में हम और बातें सर से करेंगे, उससे पहले हमारे बीच में जैसा कि मैंने पहले बताया आपको कि सर फिजिक्स से मूलतः सर आप भोपाल से हैं जी, भोपाल। तो सर मैं भी आपसे ये जानना चाहूंगा हमारे अभिभावक और ये विद्यार्थी आयु में कि आप का भी लगभग कितना समय इस क्षेत्र में रहा है सर, थोड़ा सा बताइए। 36 साल से मैं लगातार पढ़ा रहा हूँ और पूरे 36 साल हो गए और लगभग 2 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों को मैंने पढ़ाया होगा इस वक्त, मैं अंदाजन कह सकता हूँ। और जहाँ तक रिजल्ट्स का सवाल है तो विद्यार्थियों की मेहनत, ईश्वर की कृपा, सबके आशीर्वाद से ऑल इंडिया 100 हमने बहुत रिजल्ट दिए हैं, 10 रैंक भी दिए आईआईटी में, और आज भी मैं लगातार पढ़ा रहा हूँ और थका नहीं हूँ। और मैं यहाँ बांसुर आया हुआ मुझे 3 दिन हुए, अभी मैंने विद्यार्थियों से मेरा इंटरेक्शन हुआ है यहाँ पे, तो मुझे ऐसा लगता है वो मेहनती है, पहली बात तो मैं उनका इस गुण की तारीफ करना चाहूंगा, दूसरा मुझे लगता है वो सीखना चाहते हैं, तीसरा उनमें उत्कंठ अभिलाषा है आगे बढ़ने की, वो चाहते हैं हमें कोई सिखाए तो हम आगे बढ़े, उनमें पोटेंशियल मुझे दिखता है कि वो कर सकते हैं। तो आपका ये प्रयास मेरे ख्याल से विचार से बहुत सराहनीय है और इस पूरे कस्बे के लिए इतने छोटे स्थान के लिए विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ी देन है, इतना मैं जरूर कहना चाहूंगा। सर मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सर आपने बताया कि बहुत लंबे समय से आप इस फील्ड में हैं जी, विद्यार्थी जो है बहुत अधिक संख्या है मानसून में आप आए। सर मैंने एक दिन परिचय जब आपसे चल रहा था तो आपने अपने बेटे जो आईआईटी किए हुए हैं दोनों देश में है, तो थोड़ा सा हमारे जो बच्चे हैं कि आपका मोटिवेशन और आपको उन बच्चों के साथ किस प्रकार से रहेंगे तैयार किया। दोनों बेटे मेरे ही स्टूडेंट रहे तो 11वीं 12वीं में मैंने उन्हें पढ़ाया, फिर दोनों कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, बड़ा बेटा न्यूयॉर्क में अमेरिकन सेल्स फोर्स एक बहुत बड़ी कंपनी है अमेरिका की, उसमें वो सीनियर पोजीशन पे, और छोटा जलांडो जर्मनी बर्लिन में जॉब में है, जलांडो यूरोप की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी है, उसमें वो मैनेजमेंट में है, सॉफ्टवेयर मैनेजर है। सर जी से राजस्थान में हमारे यहाँ एलन जो है इसका नाम है राजस्थान जी,
ऐसे आपने मध्य प्रदेश में आपका नाम जहाँ भी हम कहीं चर्चा करते हैं तो शुक्ला जी के नाम से तुरंत पहचान जाते हैं। हाँ, यहाँ से नीट IIT के लिए यदि किसी ने विद्यार्थियों को टॉप पर पहुँचाया तो शुक्ला क्लासेस से आए। थोड़ा सा आपके उस संस्थान के लिए उसका थोड़ा सा अनुभव हम लोगों से भी साझा करें। हाँ, ये संस्थान की शुरुआत मैंने 1988 सितंबर में की थी। तो शुरुआत में तो मैं व्यक्तिगत तौर पे ये पढ़ाता था, फिर धीरे धीरे बहुत सारे फैकल्टीज हमसे जुड़ते गए और फिर 2000 में मैंने इसे एक लिमिटेड कंपनी का शेप दिया और लगभग 17 सेंटर मध्य प्रदेश में हमने करा, जबलपुर, बिलासपुर, विदिशा और भोपाल में 4 सेंटर चलाए। लगभग आप समझ सकते हैं कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण जो भी भोपाल था वहाँ चलाए। और भोपाल में हमारे सेंटर की लगभग स्ट्रेंथ 3500 तो इसको बच्चों का बहुत सहयोग भी मिला, मेहनती बच्चे भी मिले और लगातार आप समझ लीजिए सुबह से लेकर रात तक जीवन में मैंने कभी सनराइज नहीं देखा और सनसेट नहीं देखा। सूर्योदय के समय मैं क्लास में होता था, सनसेट के समय भी मैं क्लास में। सर आप मेहनत कर रहे हैं, आपका अनुभव जो है, आपका जो एक्सपीरियंस हमारे यहाँ के क्षेत्र के जो बच्चे हैं इनको बेनिफिट मिलेगा। जी, बीच में मैं फिर से मिश्रा सर के पास में आना चाहूंगा कि मिश्रा जी से भी मैं फिर से सर आपसे जानना चाहूंगा कि आप लगभग 8-10 दिन से रेगुलर RCI के जो स्टूडेंट्स हैं जिनको हमने तैयारी करवाई उनके संपर्क में हो, तो सर आपके अकॉर्डिंग लगभग कितने परसेंटेज के अकॉर्डिंग लगभग कितने प्रतिशत विद्यार्थी ऐसे जिनका सिलेक्शन डिसाइडिंग? करीब करीब 20-25% ऐसे छात्र हैं, छात्र और छात्राएं हैं जो सही गाइडेंस मिलने पर 100% रिजल्ट दे सकते। और हम ये जानकर आश्चर्यचकित हुए कि 10th पास बाहरी स्कूल के भी स्टूडेंट्स हैं जो 11th में RCI में है, लेकिन जो RCI के जो 10th के स्टूडेंट हैं वो ज्यादा अच्छे हैं बाकी स्कूलों का। हाँ वो सर, वो थैंक यू उसके लिए। बाकी हाँ, कोशिश स्टाफ ये करता है कि उनका बेस अच्छा रहे और आपके मार्गदर्शन से निश्चित है कि इनका जो 12th का जो रिजल्ट 12th के बाद में नीट IIT का आएगा वो भी आप सबका सहयोग और आपका, इसीलिए आपसे हमने निवेदन किया था और आपने निवेदन स्वीकार किया। मैं सर एक और आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि विद्यार्थी और अभिभावक, चूंकि बानसूर में अगर जैसे किसी भी शहर का नाम आता है तो हो सकता है नीमराणा इंडस्ट्री के नाम पर, भिवाड़ इंडस्ट्री के नाम पर शहर को जाना जाता है, बानसूर जब नाम आता है तो एक क्लिक करता है बानसूर मेन एजुकेशन। ऐसे में आप हमारे यहाँ के अभिभावक और विद्यार्थियों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज हम यही देना चाहेंगे कि जो व्यवस्था RCI अभी जो करने जा रहा है फाउंडेशन कोर्स का JEE, मैं नहीं समझता कि स्टूडेंट को, यहाँ के स्टूडेंट को, अभिभावक को भी अपने बच्चों को सीकर, कोटा, जयपुर या दूसरे जगह भेजने की जरूरत है, क्योंकि जो फैकल्टी है वो उन जगहों के फैकल्टी से मचमच बेटर है, बहुत अच्छे होंगे, प्लस ये आंखों के सामने रह के अपनी तैयारी करेंगे। इसलिए सभी अभिभावक और स्टूडेंट से ये है कि एक बार आप लोग दृढ़ संकल्प के साथ फाउंडेशन कोर्स को ये ज्वाइन करें, RCI में जो चल रहा है जिसमें नामी गिरामी फैकल्टी वर्ष के सक्सेस गुरु के नाम से जाने जाते हैं जिन्होंने उनका सफलता देने का एक प्रतिमान है, उन टीचरों की छाया में, उनके मार्गदर्शन में यहाँ आप करें, कोटा, जयपुर या सीकर, इन जगहों से भी अच्छा रिजल्ट ला पाएंगे। एक थैंक यू सर। जैसा कि सर ने बताया कि सक्सेस गुरु के नाम से जो टीम है और जो बच्चे इन सर के मार्गदर्शन में अध्ययन करते हैं, जो इनके गाइडलाइन में और इनके अकॉर्डिंग काम करते हैं, निश्चित है वो सफलता जिस कार्य को, जिस काम के लिए वो अपना विचार करते हैं नीट IIT के लिए, वहां तक पहुंचाने का कार्य पूरी टीम जो है करती है। और हमारा सौभाग्य है कि सर आपकी पूरी टीम जो है वो RCI शिक्षा ग्रुप के साथ जुड़ी हुई है। बीच में मैं फिर शुक्ला जी से थोड़ा सा कहना चाहूंगा, सर आपने शहर और ग्रामीण दोनों परिवेश के विद्यार्थियों को देखा है, आपने बड़े बड़े शहरों में नीट IIT की तैयारी जो है विद्यार्थियों को करवाई है और चूंकि हमारा जो क्षेत्र है ये ग्रामीण परिवेश है तो पहली बार आप किसी ग्रामीण परिवेश के विद्यार्थियों को अध्ययन करवा रहे हैं, तो मैं सर आपसे इतना जानना चाहूंगा कि इन विद्यार्थियों में शहर के विद्यार्थियों की आपको अलग से कोई पहचान या कोई गाइडलाइन या कोई भी आप जो सुझाव आपकी तरफ से हमारे विद्यार्थियों को देना चाहिए? तो सबसे पहली बात तो मुझे लगी, पिछले 3 दिन का मैं अनुभव साझा करना चाहता हूँ, विद्यार्थियों में ललक है
वो कुछ जीवन में करना चाहते हैं, उनके अंदर हम कहेंगे एक उत्कट अभिलाषा है जो हम शहर के विद्यार्थियों में भी देखते हैं, पर उसका प्रतिशत बहुत कम है। यहाँ मुझे बहुत अच्छा प्रतिशत देखने को मिला और मैं थोड़ा किंचित आश्चर्यचकित हूँ कि वो पढ़ना चाहते हैं और वो कभी थकते नहीं है, उनमें बहुत अंदर से इच्छा है कि हम सीखें, आगे बढ़े और हम सक्सेसफुल हों। ये बहुत बहुत जोरदार बात है, मैं इसको मतलब एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं इससे बहुत प्रभावित हूँ। थैंक यू सर। जैसा कि सर ने बताया उसी के अनुसार मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, बानसूर के जो भी हमारे आसपास की जो तहसीलों के विद्यार्थी हैं, अभिभावक हैं, हम सबका ये सौभाग्य है कि सक्सेस गुरु के नाम से सुपर 30 एलन और फिटजी जैसे अच्छे इंस्टीट्यूट की फैकल्टियां बानसूर में, जिसको हम छोटा शहर या कस्बा बोल रहे हैं, आने वाले समय में यहाँ से बहुत ही बेहतरीन परिणाम आएंगे, ऐसी अपेक्षाएं जो हैं पूरी विश्वास पूरी टीम हम लोगों को दे रही है। मैं अभिभावकों को भी विश्वास दिलवाना चाहता हूँ और विद्यार्थियों को भी विश्वास दिलवाना चाहता हूँ कि ये टीम जो है इनका मार्गदर्शन जो है नियमित रूप से आरसीआई के साथ लगेगा। अभिभावक जो है वो विद्यार्थी जो है उनका जैसा मैनेजमेंट और ये टीम जो है वो चाहे उसके अकॉर्डिंग आप भी विद्यार्थियों को सपोर्ट करें, विद्यार्थियों को उसके अनुसार तैयारी करने का उनको चांस दें। जैसा सर ने अभी बताया कि बड़े शहर चाहे वो सीकर हो, कोटा हो, जयपुर हो, वहां विद्यार्थियों को जाने की आवश्यकता ही नहीं है, आपके नजर के सामने या फिर आपकी नजर के पास, यानी 100 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर के आसपास यदि आपको ऐसी व्यवस्थाएं मिलती है तो निश्चित है ऐसी जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उसका हम सबको बेनिफिट्स उठाना चाहिए। आपको भी इस कैंपस में आकर के सर से मिलना चाहिए। मैं इसके साथ एक जानकारी और देना चाहूंगा, फिर मैं मिश्रा जी के पास फिर पहुंचूंगा कि इस बार कंप्लीट रूप से नीट आईआईटी के लिए आरसीआई एजुकेशन ग्रुप बानसूर ने फाइनल रूप से आरसीआई फाउंडेशन के नाम पर अलग से सर एक ब्लॉक जो है, जैसा कि आपको मैंने विजिट करवाया था, उसको हमने एडजस्ट किया है कंप्लीट अच्छी व्यवस्थाओं के साथ में, और उसके लिए उसका इनॉग्रेशन जो है 9 अप्रैल को है। तो मैं साथ में आज इस लाइव के माध्यम से आप सबको इन्वाइट भी करना चाहूंगा कि आप 9 अप्रैल को 11 बजे इस कार्यक्रम में शामिल हों, जिससे हम सबको भी आपको आपस में बातें करने का एक चांस मिले। इसके अलावा जो विद्यार्थी कक्षा 10th की परीक्षाएं दे चुके हैं, कक्षा 11वीं में नीट आईआईटी के लिए वो फाउंडेशन का कोर्स करना चाहते हैं, इन सब विद्यार्थियों के लिए आर सेट एक परीक्षा का आयोजन जो है वो 16 अप्रैल को होगा। उसके लिए ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड से आप फॉर्म भर सकते हैं, जिसकी जानकारी आप आरसीआई एजुकेशन ग्रुप बानसूर के फेसबुक पेज या फिर यूट्यूब चैनल से आप प्राप्त कर सकते हैं। ये जो एग्जाम होगा इसका रिजल्ट आएगा, उसके अकॉर्डिंग ही विद्यार्थियों का इसमें चयन होगा। जैसा सर आपने मैंने आपको पहले भी किया था कि इस समय जो विद्यार्थी 11वीं में आपके पास जिनको आप सिलेक्शन डिसाइडिंग टॉपिक पढ़ा रहे हैं, ये लगभग 400 स्टूडेंट्स का टेस्ट लिया, उसमें से लगभग 100 स्टूडेंट्स को हमने इसमें फाइनल किया है। सेम इसी प्रकार 11वीं में मैं अभिभावकों को कहना चाहूंगा कि जो आप आरसेट एग्जाम है उसको दिलवाएं, उसके अकॉर्डिंग डिसीजन हो पाएगा कि किन किन विद्यार्थियों को नीट आईआईटी जो है प्रिपरेशन के लिए फाइनल रूप से आरसीआई में एडमिशन मिलेगा। और सर लास्ट में मैं मिश्रा जी आपसे एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा, चूंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी अभिभावक और आसपास के विद्यार्थी जो है वो आप सबको सुन रहे हैं, आप नीट आईआईटी के लिए हो सकता है विद्यार्थी आपके मार्गदर्शन में तैयारी नहीं कर रहा हो सकता है किसी कारण से वो आरसीआई से जुड़ा हुआ नहीं हो, कहीं और भी प्रिपरेशन कर सकता है, कोटा हो कर सकता है, सीकर कर सकता है, बच्चे ने वहां हो सकता है एडमिशन ले लिया, अब वो किसी कारणवश यहाँ नहीं आ पा रहा है, तो इन विद्यार्थियों के लिए आपकी तरफ से सिलेक्शन के लिए कोई 3 टिप्स जो शॉर्ट में आप बताना चाहिए, कोई भी 3 टिप्स। 3 टिप्स है, फर्स्ट है संकल्प, एक अपना आप संकल्प कर लें कि हमको हर हालत में सिलेक्शन लेना है, पहला है संकल्प। दूसरा है सही प्लानिंग। सही प्लानिंग का मतलब जैसे लड़ाई खेल और अच्छा, ये बिना प्लानिंग के आप जीत नहीं सकते। पहला है संकल्प, दूसरा करें प्लानिंग, और तीसरा है आपको बहुत अच्छी मिल जाए मार्गदर्शन। तो संकल्प, प्लानिंग और मार्गदर्शन। बहुत ही अच्छा सर, थैंक यू। सर ने 3 टिप्स जो मैं सभी विद्यार्थियों से कहना चाहूंगा, जैसा सर ने बताया कि संकल्प करें, प्लानिंग करें और अच्छे मार्गदर्शन के साथ में आप तैयारी करें। मेहनत तो आपको करनी है और मेहनत सभी विद्यार्थी करते हैं, लेकिन एक सही दिशा में जो सर ने कही है कि एक सही मार्गदर्शन मिलेगा तो आप एक सही दिशा में
अच्छी प्लानिंग के साथ तैयारी करें तो निश्चित है आप सभी जो आपका टारगेट है, जो लक्ष्य, उसको प्राप्त कर पाएंगे। मैं सर आपसे भी शुक्ला जी लास्ट में यही जानना चाहूंगा कि हो सकता है कि आपकी तरफ से कोई दो या तीन अलग से टिप्स हो, जैसे मिश्रा जी ने बताया, ऐसे कुछ अलग से आपके माइंड में हो जो हमारे जो विद्यार्थी और अभिभावक जो है इसका पालन कर सके, जिससे कि सिलेक्शन तक विद्यार्थी पहुंच सके। सर देखिए, मेरा एक बहुत अनुभव है, तो जब दसवीं से बच्चा ग्यारहवीं में जाता है तो सबसे पहले तो उसे ये ज्ञात होना चाहिए कि उसका पाठ्यक्रम क्या है, दूसरा उसको ज्ञात होना चाहिए कि वेटेज क्या है। तो कई बार हम देखते हैं कि वेटेज कुछ टॉपिक्स का ज्यादा होता है, कुछ का कम होता है, तो इससे उसका परिचय होना चाहिए। जैसे मिश्रा जी ने बोला प्लानिंग, ये प्लानिंग के तहत ही आता है। और तीसरा ये है कि लगातार अभ्यास करना और रिवाइज करना, क्योंकि मुझे लगता है कि विदाउट रिविजन एवरी नॉलेज इज इनकम्प्लीट। पढ़ तो सब लेते हैं पर सिलेक्ट कौन होता है, जो रिवाइज करते हैं, प्लानिंग करते हैं, वो सिलेक्ट। थैंक यू सर। अभी मिश्रा सर ने जो कि सुपर 30 मैंने आपको पहले परिचय करवाया था, और इधर से शुक्ला सर ने विद्यार्थियों के लिए आज के इस लाइव में आपको वो टिप्स बताए हैं जिसके अकॉर्डिंग आप कहीं पर भी अगर तैयारी कर रहे हैं, इन सर ने जो बताया उसके अकॉर्डिंग ये मोटिवेशन होता है। और बानसूर क्षेत्र के हम सबके लिए सौभाग्य है कि एक एक्सपर्ट फैकल्टी और एक बहुत ही अनुभवी फैकल्टियां हमें और हमारे इन विद्यार्थियों को लगातार हम लोगों को मार्गदर्शन हम सबको मिल रहा है, बच्चों को एजुकेशन सर से मिल रही है, यह मार्गदर्शन और एजुकेशन इसी प्रकार हम सबको मिलता रहे। और सर जो है आज हमारे इस लाइव सेशन में, सर आपने, मिश्रा सर ने और उसकला सर आपने हमें समय दिया, हमारे अभिभावकों से और हमारे विद्यार्थियों से आप रूबरू हो पाए, इसके लिए पूरा आरसीआई शिक्षा परिवार आप दोनों का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता है। साथ ही ये भी अपेक्षा करता है कि हमारे बानसूर के लिए एक नया आयाम होगा कि जो शिक्षा के क्षेत्र में स्कूली एजुकेशन और कॉलेज एजुकेशन में जो था, वो अब आने वाले समय में नीट और आईआईटी के लिए भी बानसूर को एक अलग पहचान मिले, इसके लिए आपने हमें सपोर्ट किया, इसके लिए सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद।